हेलो एवरीवन, तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। हम जानेंगे वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में कि भाई वंडरवॉल फोर्स क्या होते हैं। तो इसे आप इस तरह से याद रखिए कि जब हम क्लास 9th में थे तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बिटवीन डिफरेंस को याद करते थे। हालांकि हमने क्लास 11th में भी इसको पढ़ा है। क्या डिफरेंस था उनमें? एक लाइन आती थी कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बिटवीन जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बिटवीन जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सॉलिड से कम होता है और गैस से ज्यादा होता है। जबकि गैस के पार्टिकल्स के बिटवीन जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सबसे कम होता है, सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में होता है। तो बस आप इसी बात को याद रखिए कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसी को हम वंडरवॉल फोर्स कहते हैं। सिंपल, क्या कहा मैंने कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स या अमंग मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज वंडरवॉल फोर्स। बस आप ये याद रखिए कि मॉलिक्यूल्स के बिटवीन जो अट्रैक्शन फोर्स है उसी को हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्स। अगर वंडरवॉल फोर्स के स्ट्रेंथ की बात करें कि भाई वंडरवॉल फोर्स कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो सबसे वीक होते हैं। देखिए, बॉन्ड एनर्जी की बात करिए आप, वंडरवॉल फोर्स की जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो 8 किलो जूल पर मोल से भी कम होती है। ये वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू है, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग वैल्यू मिल सकती है, ये एवरेज वैल्यू मैंने लिखी है। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो ये लगभग होती है 8 से 42 किलो जूल पर मोल, और जबकि कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं तो इनकी बॉन्ड एनर्जी ग्रेटर देन होती है कितनी, 200 किलो जूल पर मोल, मतलब 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा। तो इस बात से हमें यह समझ में आता है कि वंडरवॉल फोर्स जो होते हैं वो इन सब में सबसे वीक फोर्स है। क्लियर? अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन की या स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स की, तो वो कौन है? आपके कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। जबकि वीक इंटरैक्शन, वीक अट्रैक्शन फोर्स की बात करूं तो वो वंडरवॉल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपने जाना कि वंडरवॉल फोर्स जो होता है एक वीक फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी ज्यादा वीक है। कौन? वंडरवॉल फोर्स। अब सर, ये पाया कहां जाता है वंडरवॉल फोर्स? कहां पाया जाएगा? इसकी प्लेस क्या है, इसकी पोजीशन कहां है? तो देखिए, आपको वंडरवॉल फोर्स कहां मिलेगा? देखिए, 1 2 3 4 5 इस तरह से याद रखो, कितने प्लेस है? 5। कहां मिलेगा? देखिए, नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन भी आपको वंडरवॉल फोर्स मिलेगा, पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, आयन और पोलर मॉलिक्यूल, और सर आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन भी आपको वंडरवॉल फोर्स दिखाई देंगे। इनका पता जे डी वंडरवॉल्स ने लगाया था, इसीलिए हम इनको वंडरवॉल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो अभी आपने कितने प्लेस देखे? आपने ये 5 प्लेस देखे। तो अगर हम टाइप्स देखें तो इनके 5 टाइप्स होते हैं, वंडरवॉल फोर्स के 5 टाइप्स होते हैं। पहला है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल बोले तो जिसमें दो पोल बनते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो दो पोल किसे बनते हैं? पोलर में बनते हैं, पोलर बॉन्ड बनते नहीं बनते। आपको हमने डाइपोल मूवमेंट पढ़ाया था, याद है? डायपोल मूवमेंट पे पूरे एक लेक्चर है, दो लेक्चर है। एक तो हमने डायपोल मूवमेंट के बारे में समझाया, फिर एक एप्लीकेशन के बारे में समझाया उसके। प्ले लिस्ट में आप जाइए, जिसका लिंक आपको आई बटन में दिखाई दे रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको वहां पर समझाया है कि डाई एटोमिक मोलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट क्या होगा और पोली एटोमिक मोलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट क्या होगा, विद एग्जाम्पल के साथ। तो याद रखो, तो डाइपोल बोले तो वो पोलर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो फर्स्ट है आपका आयन डाइपोल इंटरैक्शन या आयन डाइपोल अट्रैक्शन,
इंटरैक्शन या अट्रैक्शन ही बोल सकते हो। नंबर टू है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। नंबर थ्री है आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन। फोर्थ है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल इंटरैक्शन, याद रखना। नंबर फाइव है देखिए, यह है लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहते हैं, या हम इसे इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्लियर, इसके कितने नेम बताया मैंने, तीन नेम। अब इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका क्या ऑर्डर है सर? देखो 1 2 3 4 5, क्लियर। अब मैं से लिख देता हूं, देखो इसमें जो सब नंबर वन है मोर स्ट्रॉन्गर, देन और फोर, और सबसे वीक है आपके पास ये। ये है इनका ऑर्डर, सबसे स्ट्रॉन्ग ये, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये, सबसे कम स्ट्रॉन्ग है ये, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपका ये आयन डाइपोल इंटरैक्शन। इन डिटेल सब पे बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या आयन डाइपोल इंटरैक्शन के बारे में। आप इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लिया, तो चलिए अब हम चलते हैं आयन डाइपोल इंटरैक्शन के बारे में समझते हैं। चलिए इस तरह से करेंगे आप नोट, ब्लैक पेन से लिखेंगे सबसे पहले इसको वंडरवाल फोर्सेस, और ब्लू पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे इसे। क्या है देखो, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स एटम एंड मोलिक्यूल्स। क्या है सर ये देखो, इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स बोले तो एटम्स और मोलिक्यूल के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन को हम कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। बात समझ में आई? इंटररिएक्टिंग पार्टिकल्स के बिटवीन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, उसको हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। बात समझ में आई? आगे देखो, आगे लिखेंगे अट्रैक्टिव इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर नोन एज वंडरवाल फोर्सेस। मतलब जो आपका अट्रैक्टिव इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है उसी को हम कहते हैं क्या, वंडरवाल फोर्सेस। देखिए इन अदर वर्ड्स आप इस तरह से लिखेंगे, द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वंडरवाल फोर्सेस। क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कहलाता है वंडरवाल फोर्स। क्लियर, यही मैंने आपको समझाया था, चलिए नोट कर लो। देखिए यह है टाइप्स ऑफ वंडरवाल फोर्सेस, ये तो मैंने आपको समझा ही दिए थे, चलिए जल्दी उतार लो इसको। तो आज हमें पढ़ना है आयन डाइपोल इंटररिएक्शन। जल्दी से ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दीजिए और लिखिए, एन आयन डाइपोल इंटररिएक्शन इज द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए चार्ज आयन कैटायन बोले तो पॉजिटिव और एनायन बोले तो नेगेटिव एंड ए मोलिक्यूल, और मोलिक्यूल कैसा होगा, डाइपोल, डाइपोल बोले तो पोलर होगा मोलिक्यूल। क्लियर, अब हमने क्या लिखा, अब मेरी बात को समझो, आप चाहो तो इसे इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे डिफाइन कर सकते हैं सर, देखो आयन और डाइपोल के बिटवीन इंटररिएक्शन को या आयन और डाइपोल के बिटवीन अट्रैक्शन को आयन डाइपोल इंटररिएक्शन या आयन डाइपोल अट्रैक्शन कहते हैं। क्लियर, अब मैंने क्या लिखा है उसे समझो, हमने लिखा एन आयन डाइपोल इंटररिएक्शन, मतलब आयन डाइपोल इंटररिएक्शन जो है वो क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है। कैसा फोर्स है इंटरमोलिक्यूलर का, अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन के बीच, किसके बीच, ए चार्ज आयन, एक चार्ज आयन,
अब वो चार्ज आयन कैसा हो सकता है सर? कैटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है। एंड और ए मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल के बीच बोले तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? डाइपोल होगा। जब ये तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी, तो ये लिखा है ये कि भाई आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके बीच? आयन और डाइपोल के बीच। क्लियर? चलिए आगे क्या लिखा है। इट इज़ फाउंड, ये पाया जाता है कॉमनली सामान्य तौर पर इन द सॉल्यूशन, इन सॉल्यूशन में वेयर आयनिक कंपाउंड, जहाँ आयनिक कंपाउंड होते हैं डिजोल्व इन द पोलर सॉल्वेंट। मतलब इस तरह का इंटरेक्शन कहाँ पाया जाता है? जहाँ कहाँ पाया जाता है कि जहाँ आयनिक कंपाउंड घुलते हैं, घोले जाते हैं, किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। चलिए नोट करिए, आगे चलें। चलिए देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। ये आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन डाइपोल अट्रैक्शन की बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। सुनो बहुत ध्यान से। आयन डाइपोल अट्रैक्शन बिकम स्ट्रोंगर एज द चार्ज ऑन द आयन इंक्रीजिज। क्या लिखा? कि आयन पर चार्ज अगर इंक्रीजिज होता है तो आयन डाइपोल अट्रैक्शन या आयन डाइपोल इंटररिएक्शन स्ट्रोंगर होती है। जैसे जैसे आयन पर चार्ज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे आयन डाइपोल अट्रैक्शन मजबूत होती है। या में क्या लिखा? और करके, और एज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल ऑफ द पोलर मोलिक्यूल इंक्रीजेस। और लिखा है कि आयन डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रोंगर होने का दूसरा राज यह है कि जैसे जैसे डाइपोल का मैग्नीट्यूड, कौन से किस डाइपोल का मैग्नीट्यूड? पोलर मॉलिक्यूल का क्या होता है? इंक्रीज होता है, वैसे वैसे आयन डाइपोल अट्रैक्शन भी स्ट्रोंगर हो जाती है। चलो नोट कर लो इसको जल्दी से। इतनी बात समझने के बाद हमने क्या निष्कर्ष निकाला? हमने ये बात निकाली कि मैग्नीट्यूड ऑफ आयन डाइपोल इंटररिएक्शन डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। मतलब आयन डाइपोल इंटररिएक्शन का मैग्नीट्यूड डिपेंड्स करता है फॉलोइंग फैक्टर्स पर, निम्नलिखित फैक्टर्स पर। किन किन पर डिपेंड करता है? नंबर फर्स्ट है चार्ज ऑन आयन, नंबर टू है साइज ऑफ आयन, नंबर थर्ड है साइज ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, और नंबर फोर्थ है मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। चलिए जल्दी से नोट करो इसे भी। देखिए क्या लिखा है, कैटायन इज ए पॉजिटिव चार्ज स्पेशीज। कि कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सही बात, विच कैन अट्रैक्ट द पार्शली नेगेटिव एंड ऑफ ए न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल। मतलब जब कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल के पार्शली नेगेटिव एंड की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। बहुत ध्यान से समझो। देखो ये तो कुछ नहीं है, इसे काट देना। देखो ये है आपका क्या, ये है आपका कैटायन और ये है आपका पोलर मॉलिक्यूल। कैटायन जो होगा वो पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव या डेल्टा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। और इस प्रकार क्या होगा सर? इस प्रकार ये होगा कि कैटायन और इन पोलर मॉलिक्यूल के बिटवीन वंडरवाल फोर्स आ जाएंगे। ये कैटायन है और ये डाइपोल है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसीलिए हम कह देंगे ये हो गया आयन डाइपोल इंटररिएक्शन। चलो नोट करो इसे। देखो इसी तरह से यहाँ पर यही लिखा है कि एनायन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, और इसीलिए ये क्या होगा? पॉजिटिव एंड की तरफ, जो पार्शियली पॉजिटिव एंड होगा
न्यूट्रल पोलर मॉलिक्यूल का उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। ये आपका कौन है सर, एनायन है, और ये कौन है आपका पोलर मॉलिक्यूल है। इस पर चार्ज नेगेटिव है। अब ये पोलर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और इन दोनों के बीच में वंडरवाल फोर्स आ जाएंगे। अब ये है आयन और ये है आपका कौन, डाइपोल। इसी को कह देंगे हम आयन डाइपोल इंटररिएक्शन। अब देखिए यह है हमारा एग्जांपल, ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे लिखेंगे ब्लू पेन से। व्हेन NaCl डिसॉल्व इन वाटर NaCl अंडरगो डिसोसिएशन टू फॉर्म Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। Na पॉजिटिव आयन विल बी अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली या पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम एंड Cl नेगेटिव आयन will be attracted to the slightly या partially positive hydrogen atom in the water molecule. Clear? चलिए अब इस बात को हम समझते हैं बोर्ड पर। देखिए हमारा एग्जाम्पल है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि है एक आयनिक कंपाउंड, और हम इसको डिसोल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं पोलर सोलवेंट में। हमारा पोलर सोलवेंट कौन है, H2O। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो पोलर सोलवेंट में ही तो डिसोल्व होते हैं। क्लियर? चलिए अब हम जानते हैं कि जब हमारा NaCl वाटर में डिसोल्व होगा तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा, पॉजिटिव एक्वस लिख दूं, एक्वस, और प्लस हमें क्या ऑब्टेंड होगा, Cl नेगेटिव। क्लियर? तो अब हमें एक्वा सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन प्राप्त हुए। कुल मिलाकर आपका NaCl वाटर में डिसॉल्व हो गया। क्लियर? अब देखिए आयन डाइपोल इंटररिएक्शन के द्वारा आपने इस बात को समझाया है। क्लियर? अब देखिए आपको किस तरह से अपने एग्जांपल को शो करना है। देखो अब Na पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, इसी तरह से Cl नेगेटिव के चारों तरफ भी वाटर के मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर? अब उससे पहले एक बात समझो, अरे भाई दराओ, देखो एक बात समझो भाई, हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है। क्लियर? कैसा मॉलिक्यूल है सर, पोलर मॉलिक्यूल है। बात समझते हो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन। क्लियर? फ्लोरीन के बाद इसी का नंबर आता है, इस पर आगा डेल नेगेटिव और इस पर आगा डेल पॉजिटिव, इस पर आगा क्या, डेल पॉजिटिव। आप कह सकते हो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, जैसा बोलना चाहो। चलिए अब Na पॉजिटिव के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल, इसी तरह से Cl नेगेटिव के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल। देखिए यह है आपके पास सोडियम आयन, जो है कौन, कैटायन। किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को, पार्शियली नेगेटिव चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर है, तो ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। तो बस दो, इस तरह से बना दो, चार ले ले, चार मॉलिक्यूल, चलो इस तरह से देख दो, ले लिए। अब ऑक्सीजन के साथ कौन है, अरे सर हाइड्रोजन होगा ना, ऑक्सीजन के साथ कौन है सर, हाइड्रोजन होगा ना, ऑक्सीजन के साथ कौन है, अरे हाइड्रोजन होगा ना, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है ना सर, देखो देखो देखो, सही है। अब ये बात दिखाओ, इसको मैं ऐसे कर देता हूं, अच्छा लगेगा, सही है। अब देखो इस पर क्या आ रहा, डेल, अरे भैया डेल नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा सर, डेल नेगेटिव, इस पर क्या आएगा सर, डेल नेगेटिव, इस पर क्या होगा, डेल नेगेटिव। आपका हाइड्रोजन है, उस पर क्या होगा सर, डेल पॉजिटिव, इस पर भी क्या होगा, डेल पॉजिटिव, इस पर भी क्या होगा, डेल पॉजिटिव, इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पर भी डेल्टा पॉजिटिव, इस पर भी डेल्टा, कुछ बोलना चाहो बोल दो। क्लियर? लो जी सही है, बताओ बात समझ में आ रही है। और नीचे लिख दो भाई Na पॉजिटिव एंड H2O। क्लियर? चलो Cl नेगेटिव वाला भी उतारते हैं। ये
देखो सी एल नेगेटिव, ये कौन है आपका एन आयन, इस पर कैसा चार्ज है सर नेगेटिव, किसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, कौन है पार्शियल पॉजिटिव, कौन है पार्शियल पॉजिटिव वाटर के अंदर, ऑक्सीजन, अरे नहीं हाइड्रोजन, बस। अब कैसे बनाए सर इसको, कैसे बनाए कैसे बनाए, देखो ऐसे करो यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन और यहां ऑक्सीजन, अपना अपना तरीका है सर, आप अपना तरीका यूज कर लेना। देखो हाइड्रोजन 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 कैसी गैस है सर, जानते हैं हाइड्रोजन गैस कैसी है, सबसे हल्की गैस है, और क्या जानते हो हाइड्रोजन के बारे में, नेगेटिव नेगेटिव पार्शियल स्लाइटली स्लाइटली डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हो रहा है अट्रैक्ट, पॉजिटिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सर, हो रहे हैं पॉजिटिव, और यही क्या हो रहा है सर, यही क्या हो रहा है, बोलो बोलो क्या हो रहा है, देखो ये कौन है आयन और ये कौन डाइपोल, ये कौन है आयन और ये कौन है डाइपोल, तो आयन डाइपोल इंटरैक्शन आपको यहां देखने के लिए मिल रही है, और यही आयन डाइपोल इंटरैक्शन का एग्जाम्पल है। तो लिख देंगे यहां पर क्या, सी एल नेगेटिव जो आयन है और डाइपोल कौन है आपका वोटर है, चलिए उतार दीजिए, आपको ये हो जाता है एग्जाम्पल कंप्लीट। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने वंडरवाल फोर्सेस के बारे में जाना, और यहां पर हमने वंडरवाल फोर्स का केवल एक टाइप डिस्कस करा जो था हमारा आयन डाइपोल इंटरैक्शन, क्लियर। अब हम आपको मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह से अपना फेयर बनाते रहिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।